एक अनमोल सीख। एक बार एक वैज्ञानिक ने एक टिड्डे को पकड़ा और उसे अपनी आवाज़ पर छलांग लगाना सिखाया। वैज्ञानिक टिड्डे से कहता, कूदो टिड्डा। उसके आवाज़ सुनते ही जोर से छलांग लगा देता। अब वह वैज्ञानिक था तो प्रयोग करना बनता ही था। उन्होंने टिड्डे की छलांग पर प्रयोग किया। वैज्ञानिक ने उसकी एक टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। अब टिड्डे की छलांग की दूरी कम हो गई। वैज्ञानिक ने उसकी दूसरी टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। टिड्डे की छलांग और कम हो गई। अब तोड़ी गई उसकी तीसरी टांग। फिर छलांग की दूरी कम और कम हो गई। एक एक करके बेचारे टिड्डे की सारी टांगें तोड़ दी गई। अब आखिरी टांग टूटने पर जब उससे कहा गया, कूदो, तो वह हिल भी नहीं पाया और वैज्ञानिक ने अपना निष्कर्ष अपनी डायरी में लिखा। जानते हो उसने क्या लिखा? जब टिड्डे की एक टांग तोड़ी गई तो वह थोड़ा बहरा हो गया। जब उसकी दूसरी टांग तोड़ी गई तो वो और भी बहरा हो गया। हर टांग टूटने के साथ वो और बहरा होता गया और सारी टांग टूटने के बाद वह बिल्कुल बहरा हो गया। अब जोर जोर से चिल्लाने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जगह से हिला तक नहीं। छलांग लगाना तो दूर की बात थी। इस कहानी को सुनकर सभी को ऐसा लग रहा है ना कि क्या मूर्ख वैज्ञानिक था। इतना सीधी सी बात उसे समझ में नहीं आई। या कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो किसी बच्चे को भी पता है कि टिड्डे की छलांग उसकी टांग टूटने की वजह से कम होती जा रही थी, ना कि वह बहरा हो गया था। दोस्तों, हम सभी के जीवन में कई बार ऐसे ही मूर्ख बन जाते हैं। कई बार जीवन में दो घटनाएं एक साथ ऐसे घटती हैं कि उसका एक दूसरे से कोई संबंध होता ही नहीं, फिर भी ऐसा लगता है कि गहरा संबंध है। कभी कभी दिखता कुछ और है, लेकिन समझ कुछ और आता है और वास्तव में होता कुछ और है। ये छोटी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।